नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। उस फैसले में दो बातें बोली गई हैं। सबसे पहले कि आधार कार्ड कहाँ पर यूज किया जाएगा, और दूसरा कि आधार कार्ड को कहाँ पर यूज नहीं करना पड़ेगा, जिसमें बाद में लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि आधार कार्ड को लेकर क्या फैसला आया है, सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं रह जाएगा। सो हाय गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखो, हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये जो आधार कार्ड को लेकर फैसला आया है, इसको कहाँ कहाँ पर आधार कार्ड को यूज करना है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज हम लोग जो जानेंगे वो ये कि बिल्कुल शुरुआत से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आधार कार्ड कैसे आया, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसी जरूरत कौन सी पड़ी कि उसको ये फैसला सुनाना पड़ा। ठीक है, कौन सी याचिका दायर की जिसके वजह से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर आप मुझे सौरभ गुप्ता नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखो, सबसे पहले तो ये एक चीज़ आती है कि आधार कार्ड की शुरुआत कैसे हुई और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आधार कार्ड को लेकर अभी जो फैसला आया है, उसमें आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, कहाँ कहाँ पर आधार कार्ड नहीं लगेगा, ध्यान से सुनते जाना पूरी बातें। सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ पर जरूरी है, ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर जरूरी है। नंबर वन पर आता है आयकर दाखिल करने के लिए देना होगा। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना भरेंगे, उस समय आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो ये तो पॉइंट नंबर वन हो गया कि इनकम टैक्स भरते समय आपको आधार देना है। दूसरी बात आती है पैन कार्ड बनवाते समय। जब भी आप अपने लिए पैन कार्ड बनवाने जाएंगे, तब आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी पाने के लिए आपको आधार कार्ड देना जरूरी होगा। जैसे कि बैंक में आप अपने सिलेंडर वाली सब्सिडी लेते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार की सब्सिडी अगर दी जा रही है, तो उसमें आपको पैन कार्ड लगाना जरूर आधार कार्ड लगाना जरूरी हो जाएगा। तो मैंने आपको कितनी बातें बोली, कुल तीन बातें बोली। सबसे पहले कि इनकम टैक्स भरते समय देना पड़ेगा, नंबर टू पैन कार्ड बनवाते समय देना पड़ेगा, नंबर तीन गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सब्सिडी मिलती है उस समय देना पड़ेगा। तो तीन जगह वो हो गई जहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आधार कार्ड आपको नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। सबसे पहली बात, कहाँ देना नहीं देना पड़ेगा, स्कूल में दाखिले के समय आपको आधार देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आधार कार्ड बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर आधार कार्ड देते हैं तो आपका जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है वो प्राइवेट कंपनियों को सेल किया जा सकता है, इलेक्शन के टाइम पर प्रेडिक्शन करने के लिए। UGC और नीट और CBSE की परीक्षाओं के लिए भी आपको आधार कार्ड सबमिट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, फोटो भी लगा दिया है, सो दैट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया जा रहा था, लेकिन अब वो कंपलसन भी खत्म हो गया है। अब आप अपने आधार कार्ड को कोई आवश्यकता नहीं है कि बैंक में खाता खोलते समय लगाएं, बैंक में खाता खोलते समय आधार बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका फोटो भी लगा दिया है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। दूसरा, अभी तक मोबाइल की कोई हम लोग सिम ले रहे थे तो हमें आधार कार्ड के बिना वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब उस नियम को चेंज कर दिया गया है, बिना आधार कार्ड के भी अब आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो दो चीज़ें हो गई। तीसरी देखो, ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक और चीज़ कही है कि जितनी भी निजी कंपनियां हैं वो आधार की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग भी फ्रॉड करती हैं डेटा के साथ में। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि आधार कार्ड कहाँ पर आपको देना होता है, कहाँ पर नहीं देना होता है। अब बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं कि ये पूरा मामला आया क्यों। ठीक है, तो शुरुआत से ये होता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत होती है। हुआ क्या था कि जब से आधार कार्ड आया है, उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर एक हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं,
हाई कोर्ट के पूर्व जज जिनका नाम है के एस पुट्टा स्वामी ने एक याचिका दायर की थी आधार की प्रामाणिकता को लेकर। इसके साथ ही साथ में पूरे देश से 31 याचिकाएं दायर की गई थी आधार कार्ड को लेकर, जिसके रिगार्डिंग पिछले कई सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जज जितने भी मेंबर कमेटी के मेंबर्स थे इस पर डिस्कशन कर रहे थे और फैसला सुनाने के लिए रेडी थे। कल यानी कि बुधवार को इस पर फैसला सुनाया गया, जिसमें कि 5 न्यायाधीशों की एक पीठ थी जिसने फैसला सुनाया है, जो मैं फैसला आपको बता चुका हूँ। उसमें उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया गया है। अभी तक सवाल उठ रहा था कि आधार को संविधान के अनुसार से वैधता नहीं मिली है, लेकिन अब आप फ्रीडमली कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि जो अपना आधार कार्ड है इसको संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है। ठीक है, तो ये खुशी की बात है। दूसरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये बायोमेट्रिक डेटा है इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी भी तीसरी एजेंसी के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आपको करना है तो आपको कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको शेयर नहीं कर सकते। अब ये तो मामला आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल जीरो से, कि सबसे पहले आधार कार्ड कब आया था। तो वो शुरुआत होती है यहाँ से। आधार का मतलब क्या होता है ये समझना है सबसे पहले आपको। देखो, आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UID। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए कभी कभी आप पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, राशन कार्ड का यूज़ करते हैं, बैंक डिटेल का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपकी पहचान करने का एक तरीका होता है आधार कार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में, उस समय के UPA सरकार के इसके जो कर्ता धर्ता हैं नंदन नीलकेणी, उन्होंने UPA सरकार को आधार की योजना सुझाई थी। जिसके बाद में जब NDA की सरकार बनी, यानी कि BJP की सरकार जब बनी थी 2016 में, क्या किया था इन्होंने, इसको बिल पास करके UIDAI का गठन किया। ठीक है, UIDAI का गठन किया जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड पूरा काम देखती है। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक बिल पास करके UIDAI को इस्टेब्लिश कर लिया, जिससे हुआ क्या कि आधार को एक कानूनी अधिकार मिल गया, क्योंकि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिलोंग करने लगा। फिर क्या किया BJP ने, इस बिल को एक मनी बिल के तौर पर पेश किया गया था। ठीक है, इसको मनी बिल बनाकर पेश किया, क्योंकि उस समय अगर इसे राज्यसभा, क्योंकि मनी बिल जो होता है उसको केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और इसको मनी बिल बनाकर इन्होंने इस वजह से पेश किया था लोकसभा में क्योंकि लोकसभा में BJP की मेजोरिटी थी। तो इन्हें पता था कि अगर लोकसभा में ये बिल जाएगा तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। अगर उस समय इसको मनी बिल बनाकर ना भेजते तो ये राज्यसभा में ही अटक जाता और ये पास नहीं हो पाता। तो इस चीज़ पर भी सवाल उठाए गए कि आधार कार्ड को बिना किसी से पूछे आप मनी बिल कैसे बना सकते हैं। अगर ये मनी बिल आपने बना दिया तो इसको लोकसभा में पेश कर दिया, अदरवाइज इसको डायरेक्ट राज्यसभा में भी डिस्कस करना चाहिए था। इस चीज़ पर भी याचिका दायर करी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये PDF लेना है, इस तरीके के और भी ऑसम वीडियोस देखने हैं, तो आप हमारे टारगेट स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको टारगेट स्टडी IQ नाम से सर्च करना है, @ टारगेट स्टडी IQ आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप ये नॉलेज भरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।